सियालकोट के तैयार करदा फुटबॉल दुनिया भर में अपनी पहचान आप। वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल तैयार करने का एजाज इस बार फिर सियालकोट के नाम हुआ। अड्रेला फुटबॉल टेक्नोलॉजी थर्मो बॉन्डेड से तैयार की गई है। सर लोग देखते हैं बॉल यूज करते हैं वो कन्वेंशनल बॉल है, धागे से बना हुआ बॉल। थर्मो बेस्ड एक न्यू टेक्नोलॉजी है बेसिकली, और इस टेक्नोलॉजी में ये बॉल ग्लू बेस्ड होता है, इसके जो एजेस हैं वो ग्लू से जुड़े जाते हैं सारे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद लतीफ भट्ट कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का इमेज मजीद बेहतर हो गया और बिलियंस लोग इसको, उनकी नजरें उस फुटबॉल पे जो पहली किक होगी उस पर होगी, और ये फिर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को ऑनर गया, ये बॉल इस टूर्नामेंट के अंदर खेला जाएगा और पूरी दुनिया की नजरें उस बॉल पर और उस पाकिस्तान के नाम पर होगी। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगर भी खुश दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे जैसे हुनरमंदों के लिए फख्र और एजाज की बात है कि हमारे हाथ से तैयार किया हुआ फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप के लिए खेला जाता है, और साथ ही हम जैसे हुनरमंदों के लिए रोजगार का जरिया भी बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फख्र की बात है कि वर्ल्ड कप में जो खेला जा रहा है फुटबॉल हमारे सियालकोट से गया हुआ बॉल है। हाथों से सिलाई के बाद मशीनरी सिलाई और अब थर्मो बाइंडेड सियालकोट की फुटबॉल की इंडस्ट्री भी वक्त के साथ जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामजन है। वर्ल्ड कप 2022 यहां के फुटबॉल का इस्तेमाल मुंह बोलता सबूत है।